हेलो एवरीवन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है, तो टीचर्स को और बच्चों को स्कूल में बोर्ड डेकोरेशन के लिए कुछ न कुछ आर्टिकल्स चाहिए होते हैं। तो उसी के उसमें मैं आपको कुछ बनाना सिखा रही हूँ, जैसे कि कान्हा जी की गाय है या कान्हा जी के जो दोस्त होते हैं जब वो माखन चुराने जाते हैं उससे रिलेटेड, तो मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, मैंने उनकी एक गाय बनाई है, ये देखिए, दिख रहा होगा आपको। इसी तरह से मैंने एक एक दूसरी गाय भी बनाई है, वो ब्लैक कलर की है, ये देखिए। और इन्हीं की मैंने एक टोली टाइप की बनाई है, ये देखिए। ये मैंने एक चार्ट पेपर में बनाया है। आप चाहे तो इसको किसी गत्ते में भी पेस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो ये बोर्ड के अकॉर्डिंग बनाया क्योंकि बोर्ड सॉफ्ट बोर्ड्स होते हैं, उनमें आप पिनअप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको उनको बनाना सिखाती हूँ। गाय बनाने के लिए तो आप नेट में कोई भी गाय सर्च कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे, जो आपको अच्छी लगे वो आप बना सकते हैं। आपको उसकी ड्राइंग करनी होगी। देखिए, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर रखा है, मैंने ये गाय की एक फ़ोटो ड्रॉ करी है, दिख रहा है आपको आपको। इसके बाद हम इसे काट लेंगे। काटने के बाद आप इसके बॉर्डर दे देंगे, ब्लैक बॉर्डर। और जो मैंने ये ब्लैक 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 करे हुए हैं, ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर चाहे कहीं पर भी, गायों में हल्का हल्का सा स्पॉट कहीं पर भी आप दिखा सकते हैं। इसके बाद आप इसकी आईज, ये सब आप ब्लैक मार्कर, जो मोटा वाला मार्कर होता है, उससे आप इसे आउटलाइन करेंगे ताकि वो थोड़ी बड़ी बड़ी सी दिखे, अच्छी सी दिखे। इसी तरह से आप दो गाय, मैंने तो दो गाय बनाई हुई हैं, देखिए। मैंने ये वाली गाय ब्राउन कलर में बनाई है, ये देखिए ब्राउन कलर की, मैंने इसमें ब्राउन स्पॉट दिखाए हैं इस तरह से, ये देखिए। आप इन गायों को एक को अलग फेस करके बनाइए तो ये बहुत अच्छी लगेंगी, ये देखिए, दिख रहा होगा आपको। इसी तरह से जो मैंने आपको कान्हा जी की टोली के बारे में बताया था, उसमें यह है कि आप कुछ भी, जैसे मैंने एक एक बच्चा ड्रॉ करा है, देखिए, ये देखिए, मैंने इस तरह से बच्चा ड्रॉ करा है, नॉर्मल फ्री हैंड से मैंने ड्रॉ करा है, ये कोई इसमें वो नहीं है, वर्क नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह से आप खूब सारे बच्चे ड्रॉ करिए, देखिए, जैसे मैंने इसमें करे हैं, मैंने इसमें करे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चे ड्रॉ करे हैं मैंने, 7 और 8 बच्चे। तो मैंने इस तरह से इनके, देखिए, मैंने जो बच्चा ड्रॉ करके आपको दिखाया था अभी, वो इस तरह से बनाया था। इसके बालों में मैंने ब्लैक कलर मार्कर से ही करा है, इसकी आईज नॉर्मल सिंपली बनाई है मैंने, कोई नहीं ज़्यादा डेकोरेट नहीं करा है। और इसके माथे पे ऐसे करके मैंने रेड कलर से करा है। धोती आप, मैंने इसकी पिंक बनाई है, किसी की पिंक किसी की रेड, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से आप बना देंगे। कान्हा जी भी आप इसी तरह से बनाएंगे, ये देखिए, जो मैंने कान्हा जी बनाए हैं मैंने इस तरह से बनाए हैं, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। तो आप इस तरह से कान्हा जी बनाएंगे और इनको आप इसके ऊपर, यहाँ पर आप एक माखन की वो दिखा सकते हैं, एक रस्सी में दिखा के छोटी सी मटकी बनाकर कि उन्हें वो तोड़ने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको पूरे, इसको आपने ये बनाए, उसके बाद इनकी कटिंग करके आप इनको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट एक के ऊपर एक। मतलब जैसे माखन के लिए हम लोग नीचे टोली बनाते हैं, फिर ऊपर से वो चढ़ते हैं और फिर तोड़ते हैं, मटकी को तोड़ते हैं, उसी प्रकार से आप इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, मैंने एक, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है किसी का हाथ छुप भी रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये देखिए। मैंने इसके लिए भी पुराना ही चार्ट पेपर यूज़ करा है, ये देखिए, आप पीछे से आप देख सकते हैं पुराना चार्ट पेपर है, ये देखिए। इसके ऊपर मैंने एक के ऊपर एक करके ऐसे चिपकाए हैं, ये देखिए, ये देखिए, अब पूरा मेरा कान्हा जी का, ये देखिए, इस तरह से ये आपके सामने दिखाई देगा। इस तरह से आप इसे बनाकर कहीं भी बोर्ड में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये क्राफ्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे उसमें कमेंट ज़रूर लिखिए।
थैंक यू।